बिग बॉस सीजन 11 था, 12 से मुझे कोई मतलब नहीं है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का अभी बता नहीं सकती, बिकॉज एक आर्टिस्ट का ऐसा रहता है कि कल पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सा आपका सीरियल मिलने वाला है, किस चीज़ में आप एक्ट करने वाले, आई डोंट नो। लेकिन हाँ ये है कि 2019 बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। आखिर अर्शी वजीर के लिए? मेरे लिए हर दिन ही न्यू ईयर है, मैं तो हर सुबह न्यू ईयर की तरह मनाती हूँ। मुझे कोई 31 दिसंबर या 31 दिसंबर से कोई मतलब नहीं है। हाँ इवेंट बड़ा आ गया तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं आवाम से कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने एक साल मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा और इंशाल्लाह हम ऐसे ही जलवे दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने हमेशा जोड़ी में ही हमें देखा है, आते हुए जाते हुए, और शुरुआत हमने जोड़ी में ही की थी जब इंडस्ट्री में आए थे। हमने साथ में शो स्टार्ट किया था, बहुत सारे रियलिटी शो साथ में किया, लेकिन कभी जोड़ी अवार्ड नहीं मिली, हमें कभी नहीं मिला। तो ये जोड़ी अवार्ड हमें मिला फाइनली, और डेबिना तो बहुत इमोशनल हो गई थी। और हम लोगों ने साथ में काफ़ी काम किया है, पर ये नहीं पता था कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी का अवार्ड भी मिलेगा। सो आई मीन अवार्ड से जब नवाजा जाता है, मतलब वो बहुत ही, आप जब एक अच्छा काम करते हो और कठिन चीज़ों को पार करते हो, सो वाओ, दैट्स फॉर अस। ओके, मुबारकबाद देना चाहूँगा शमीम को, पूरी टीम को, ये हर साल की तरह इस साल भी टीफा अवार्ड रखा इन्होंने और बहुत शानदार तरीके से, और न्यू कॉमर्स को, सारे टेक्नीशियंस को, बहुत सारे लोगों को अवार्ड यहाँ दिया जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कॉमर्स को दिया जाता है। आपको भी अवार्ड मिलने वाला? मुझे 2 साल पहले मिले। है तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और मैं शमी मंगल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस चीज़ के लिए, और आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मुझे पहली मूवी एसी अवार्ड के थ्रू मिली थी, सो ये एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड फंक्शन है मेरे लिए। 6th टीफा अवार्ड में मैं जब पहली बार यहाँ आया था, तब मुझे पहली बार यहीं से एक स्टेपिंग स्टोन था मेरे लिए इंडस्ट्री की, और कदम रखी मैंने, और सबसे पहली मूवी यहीं पे मेरी पोस्टर लॉन्च हुई थी, तो एक बहुत ही दिल के करीब है मेरे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन। आज टाइफा में पहली बार शिरकत कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे लेवल पे इसका ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है मुझे। आई थिंक इट्स प्रीटी वेल ऑर्गेनाइज एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर, एंड इट इज़ लाइक हाउ एनी टॉप लेवल अवार्ड नाइट शुड बी। और मैं यहाँ पे शमीम भाई की वजह से आया हूँ, शमीम भाई जिन्होंने ये जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ है, और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस फंक्शन में काफ़ी कुछ आज देखने को मिलेगा, कुछ एंटरटेनमेंट होगा, और कुछ अच्छे लोगों को अवार्ड्स दिए जाएंगे जो ट्रूली डिज़र्विंग होंगे अपने काम के लिए। मैं टीफा अवार्ड्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया आज, और बाकी मैं आपको अवार्ड्स की बात बोलूँगा, आप बताऊँगा कि कैसा रहा, सब कुछ रहा, बहुत अच्छा स्वागत किया मेरा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वी हैव रीच्ड टू टाइफा एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हु ऑल विन द अवार्ड, एंड बहुत सारे नए नए फिल्म अभी रिसेंटली आए हैं जो कि वेल डिजर्विंग है, सो मे द बेस्ट पर्सन विन। मैं एक्चुअली अवार्ड लेने नहीं आई हूँ, आई हैव जस्ट कम टू अटेंड द इवेंट, एंड वी हैव कम एज गेस्ट। ये 7th टीफा अवार्ड फंक्शन है, और आज मैं यहाँ पे बहुत ऑनर फील कर रही हूँ कि साल की आखिरी, यू नो, लाइक 2 दिन बचे हैं 2019 आने में, और मैं यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ इस अवार्ड में। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग पार्ट ऑफ दिस अवार्ड। एक कमाल की इवनिंग। मैं टीफा में 2015 में आया था, व्हेन जब मुझे बेस्ट होस्ट फॉर इंडियाज़ गॉट टैलेंट से नवाजा गया था। इट्स अ फुल जर्नी नाउ, 3 साल बाद आ रहा हूँ, व्हेन आई एम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर बेस्ट एक्टर टेलीविजन 2018। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ही अच्छा साल गया है, बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत रिकॉग्निशन मिला है, बहुत एक्साइटिंग ईयर आ रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट वे टू एंड द ईयर एंड ब्रिंग इन अ न्यू ईयर। सॉरी एक जना, हाँ जी, काफ़ी मुझे याद है जब पिछला फंक्शन हुआ था, इट वॉज एट सन एंड सैन 2015,
and those were the starting days, and those are also my starting days as a host. It was wonderful. I think every time you're recognized, it's an encouragement ki aap kuch sahi kar rahe hain zindagi mein. To main usi encouragement ko is baar phir se lena chahunga aur 2019 mein aur zyada acha kaam karna chahunga. Bahut khushi ki baat hai, bahut acha lagta hai is tarah ke award functions hote hain to kalakaron ki himmat afzai hoti hai. It's very encouraging. Thank you. 10-12 saal mujhe radio karte ho gaye aur ye pehla radio award hai mujhe bindaas RJ ke liye mila hai. टेलीविज़न में डेब्यू तो 2014 में हो गया था, उसके लिए मुझे अवार्ड पहले ही मिल गया था, लेकिन ये पहला अवार्ड रेडियो के लिए, रिकग्निशन के लिए, जिसकी वजह से मैं जाना गया, तो बहुत खुशी की बात है. एंड ताइफा, थैंक यू सो मच कि आपने जो है अप्रिशिएट किया मेरे टैलेंट को, क्योंकि रेडियो पर मैं काफ़ी सालों से और हमेशा नॉमिनेट होता हूँ लेकिन कभी अवार्ड मिलता नहीं है, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम मिला है, तो खुशी की बात है.